तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग फ्री फायर गेम खेलते टाइम किसी भी शॉटगन का यूज करते हो, जिन शॉटगन के अंदर आप लोगों की स्पास M37 M1040 या फिर कोई भी और शॉटगन होती है, और और अगर आप लोग उस शॉटगन का यूज करते हो उस टाइम पे आप लोगों के बन टैप नहीं पड़ते या फिर आप लोगों को हेडशॉट मारने में प्रॉब्लम आती है, तो मेरे देखो जब भी आप लोग किसी भी बंदे को मारने के लिए शॉटगन का यूज करते हो तो उस टाइम पे आप लोग के सामने कुछ प्रॉब्लम आती है। जैसे आप लोगों की गन या तो बहुत ज्यादा रिकॉल खाएगी या फिर आप लोगों की एमओ बहुत ज्यादा फायर होंगे या फिर आप लोगों के बॉडी शॉट बहुत ज्यादा पड़ते हैं भाई, मुंह की बात छील ली। तो भाई आज के इस वीडियो में आपको तीन ऐसी ओपी ट्रिक बताने वाला हूँ शॉटगन की, जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों के फ्री फायर के अंदर ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर गेम प्ले में देख पा रहे हो कि मैं किसी भी तरीके से बंदे को मार रहा हूँ, मेरा ओनली और रेड नंबर ही पड़ रहा है। तो चलो गाइस बिना किस टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज की इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो तुम सभी को मिलेंगे फ्री में 500 डायमंड। अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी से एक मैसेज डाल देना है। देखो गाइस आप लोग वीडियो तो वैसे भी देख रहे हो, ठीक है, मैं आपसे ना तो कोई आपके आईडी पासवर्ड मांगता हूँ ना ही मैं आपसे कोई पैसे वैसे मांगता हूँ। मैं बस आपको इतना बोलता हूँ कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को अपनी जो गेम की यूआईडी होती है वो डालनी होती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की ट्रिक के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। सबसे पहली ट्रिक के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसके अंदर जाना है। अब मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने शायद पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाओगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है पॉइंटर स्पीड। अब पॉइंटर स्पीड के बारे में आप में से बहुत सारे बंदों ने पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन मैं आपको कुछ अलग और यूनिक बताने वाला हूँ कि आप लोग को जो अपनी पॉइंटर स्पीड होती है उसे किस तरीके से एडजस्ट करना है, जिससे कि आप लोगों के ओनली और रेड नंबर ही पड़े। जैसे ही आप लोग अपनी पॉइंटर स्पीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा इंटरफेस। आप लोगों की जो पॉइंटर स्पीड होती है वो मिडल में होती है, या फिर आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो कि अपनी पॉइंटर स्पीड को फुल पे करके रखते हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो कि अपनी पॉइंटर स्पीड को बिल्कुल कम करके रखते हैं। तो देखो अगर आप लोग एसएमजी गन यूज करते हो जैसे कि MP40 UMP या फिर कोई भी एसएमजी वाली गन, तब तो आप लोग को अपनी पॉइंटर स्पीड कर देना है बिल्कुल फुल पे सेट। लेकिन अगर आप लोग कोई भी शॉर्ट गन का यूज करते हो, यानी जितनी भी फ्री फायर के अंदर बन टैप वाली गन होती है, अगर आप लोगों को बन टैप मारना पसंद है या फिर आप लोग भी चाहते हो कि मेरा ओनली ऑन रेड नंबर ही पड़े या फिर मेरे इजी तरीके से बन टैप पड़े, तो उसके लिए आप लोग को अपनी पॉइंटर स्पीड कर देना बिल्कुल डाउन। और अगर आप लोग एसएमजी गन चलाते हो या फिर कोई भी ईआर गन चलाते हो, स्प्रे वाली जो गन होती है उनको तुम अगर यूज करते हो उस टाइम पे अगर आप लोग हेडशॉट मारना चाहते हो तो अपनी पॉइंटर स्पीड कर देना आप लोग को फुल पे सेट। तो ये तो आप लोगों की पहले नंबर की ट्रिक। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में बात कि आप लोगों को सेकंड ट्रिक कौन सी फॉलो करनी है। तो सेकंड नंबर की जो ट्रिक है वो है आप लोगों का एम। अब आप में से बहुत सारे बंदे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमको अपना एम रेड करना चाहिए फिर हमको अपना एम बैट करना चाहिए, जिससे हमारे बेटर तरीके से हेडशॉट पड़े। तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक क्लिप लगा दी, जिससे आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो देखो अगर आप लोग के सामने कोई एनिमी शॉर्ट रेंज में हो, वैसे आप लोगों को शॉर्ट रेंज में ही फाइट करनी है, शॉर्ट गन इसीलिए बनी क्योंकि आप लोग शॉर्ट गन से शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मार सकते हो। अगर आपके सामने कोई एनिमी शॉर्ट रेंज में होता है तो उस टाइम पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अपने एम को रेड करके बंदे को मार रहा हूँ तब भी मेरे नेक्स्ट लेवल के बन टैप पड़ रहे हैं, अगर मैं अपने एम को बैट करके मारता हूँ तो उस टाइम पे भी मेरे नेक्स्ट लेवल के ही बन टैप पड़ते हैं। तो इससे ये बात तो क्लियर होगी कि अगर आपके सामने कोई एनिमी शॉर्ट रेंज में होता है उस टाइम पे आप लोग चाहे अपने एम को रेड करो चाहे अपने एम को बैट करो, लेकिन उसके साथ आप लोगों को एक ट्रिक है जो कि फॉलो करनी है, नहीं तो आप लोगों के बन टैप नहीं पड़ेंगे। वो ट्रिक क्या है कि जब भी आप लोग किसी भी एनिमी पे शॉर्ट रेंज में फायर करो तो उस टाइम पे आप लोगों को जो फायर वाला बटन होता है उसे आप लोगों को झटके से एक साथ ऊपर की साइड खींचना है। और इसके साथ ही आप लोगों को एक बात है जो कि हमेशा याद रखनी है कि आप लोगों का जो एम होता है वो आपके कंधे के पास होना चाहिए। अगर आप लोगों का एम अपने कंधे के पास होगा तो सिंपल सी बात है कि वो भी एनिमी की या तो चेस्ट पे जाएगा या फिर उसके कंधे के आसपास या फिर उसके सर के आसपास जाएगा। तो इस बात का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो एम होता है वो हमेशा अपने कंधे के पास होना चाहिए। उस टाइम पे जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आप लोगों को अपना फायर वाला बटन झटके से एक साथ ऊपर की साइड खींचना है, आप लोगों का इजी पीजी बन टैप या फिर इजी पीजी हेडशॉट पड़ जाएगा। तो ये तो आप लोगों की सेकंड ट्रिक। अभी हम बात करें तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में बात, जिसका यूज आप लोगों को हमेशा करना ही करना है। और इसी ट्रिक का यूज फ्री फायर करना जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, जितने भी लीजेंड है, जितने भी बन टैप किंग है, वो सभी इस ट्रिक का यूज करते हैं हमेशा। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको इसे लेकर जब तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, सब कुछ मैं आपको बेटर तरीके से ही बताता हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमारी 8.5 लाख फैमिली कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ हमारे 5,000 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं और ये सब्सक्राइबर आपको 2 दिन में कंप्लीट करने हैं। तो मेरे भाई देखो मैं तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। ये बात भी तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। मेरे को पता है कि आप लोग 2 दिन के अंदर 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दोगे, तो हो सके तो नीचे साइड देखो आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है। तो चलो अभी हम बात करें सेकंड ट्रिक के बारे में बात। तो सेकंड नंबर की जो ट्रिक है वो है आप लोग की सुपर जंप बन टैप ट्रिक। और इस ट्रिक का यूज
फ्री फायर के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, फिर आप लोग भी कभी ना कभी इस ट्रिक का यूज करते ही होंगे। अगर आप लोग इस ट्रिक के बारे में सही तरीके से नहीं जानते तो यहाँ पर मैं आपको एकदम बेस्ट तरीके से बताता हूँ कि आप लोगों को इस ट्रिक का यूज किस तरीके से करना है। तो देखो, जैसे ही आप लोगों को एनिमी दिखता है उस टाइम पर सबसे पहले आप लोगों को अपने हाथ में गन लेनी है और आप लोगों को जंप करना है। जंप करने के बाद आप लोगों के पैर जब जमीन को टच करें देन उसके बाद आप लोगों को एनिमी के डायरेक्शन में फायर कर देना है। चलो एक बार मैं आपको वापस से बताता हूँ कि जैसे ही आप लोगों को एनिमी दिखता है उस टाइम पर सबसे पहले आप लोगों को अपने हाथ में गन लेनी है। गन लेने के बाद आप लोग जंप लगा सकते हैं, जंप करते टाइम ही अपने हाथ में गन ले सकते हो। देन उसके बाद आप लोगों के पैर जब जमीन को टच करते हैं देन उसके बाद जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आप लोगों को अपना फायर वाला बटन खींच देना है। लेकिन इसके साथ आप लोगों को एक बात है जो कि हमेशा याद रखनी कि आप लोग जब हवा में होते हैं उस टाइम पर फायर नहीं करना, ठीक। आप लोगों के पैर जब जमीन को टच करें देन उसके बाद ही आप लोगों को फायर देना है। और आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते हैं ना ही आप लोगों के पास डायमंड लेने के पैसे, तो आज की इस वीडियो को जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी जहां पर मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में दो डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। आप लोग उस वीडियो को देखो, उससे पहले मैं तुम सभी से वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार 5 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहो तो ये 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे भाई अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा के अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखा देना।